हेलो गाइस, राम राम सभी को। और सब लोग होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 करीब, और मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी सर्विस कराने हल्द्वानी। एंड पहली सर्विस है मेरी गाड़ी की, क्योंकि 1K हो चुका है इसका, 1000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता हमारा गाड़ी का। तो चलते हैं सीधा हल्द्वानी, उससे पहले एक दो काम है वो भी निपटा लेता हूँ। तो गाड़ी हो गई ज़्यादा गंदी, तो सर्विस होगी, धुलेगी अच्छे से, काफ़ी गंदी हो रही है। चल रहे हैं सीधा अभी। सो बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, ऑन द वे टू हल्द्वानी, और मौसम भी सही हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा ठंड भी नहीं है कुछ, और धूप अच्छी निकली हुई है। सो आज पहली सर्विस के लिए जा रहा हूँ मैं, एंड देखते हैं आज क्या टाइम लगता है वहाँ पे। ये जो व्यू है ना भाई साहब, ये व्यू अपने आप में एक गजब का व्यू लगता है मेरे को, कसम से। हल्द्वानी रोड जो नई रोड बन गई है ना, इसका अलग ही मजा है। और ये व्यू तो कसम से बता रहा हूँ, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। रोड इतनी स्मूथ हो गई है, कुछ जगह पे आगे पीछे थोड़ा सा है, लेकिन बीच का पूरा टांडा वाला रोड इतना प्यारा वगैरह, मतलब ट्रैवल करने में अब आता है मज़ा यहाँ पे। हल्द्वानी टू रुद्रपुर, रुद्रपुर टू हल्द्वानी, ये मज़ा है। बहुत बढ़िया रोड हो गई एकदम। पहुँच चुका हूँ किया मोटर्स क्लासिक किया हल्द्वानी। सो सर्विस कराऊंगा अभी मैं इसकी। चलिए हो गया चेकअप। चेकअप हो गया इसका, अब देखते कितनी देर लगती है। सो गाड़ी हमारी ये खड़ी है, सर्विस हो गई है, वॉशिंग के लिए आई है अभी। देखते हैं क्या सीन बनता है। इसमें एक चेकअप और कराना था यार, कहाँ है? टेफ्लोन चेकिंग करवानी थी इसकी, वॉशिंग के बाद होगी ना? हाँ ठीक है। गाड़ी अपनी चमक गई भाई साहब, क्या हाल था, क्या हो गया, बढ़िया हो गई एकदम, जबरदस्त चमक गई। चमक गई दादा, यार और निकाल देना, पत्थर पुत्थर फंसे पड़े ना अंदर, निकाल दे। ओके कर देना इसको एकदम। ये देखना यार, ये नहीं मिटा ही नहीं है, नहीं मिटेगा, फिर ये माले लगा लेंगे, नहीं तो एकदम उनसे कहना, एडवाइजर कहना वो लिखवा देंगे, पेंटर लगा लेंगे। नहीं तो निकालो इसको, चमकाओ भैया, निकल जाएगा। ठीक। आ गई अपनी, अब जाएगी अंदर की तरफ, एक चेकिंग करनी है इसकी, चेक करके तो साफ दिख रही है, रात तक बुरा हाल था इसका। हल्का सा काम दिख रहा है अभी भी उसका, हल्का पेट की लेयर कट गई उसकी, हल्का सा अंदर को चली गई ये लेयर, कट गई अंदर चला गया, ये लेयर कट गई, उंगली फंस रही है, नहीं फंस रही ना, हल्की सी है, फंस तो नहीं है, फंस नहीं रही है, वो मैंने भी देखा था। चलो देख लो कोई सिस्टम है तो दोबारा करके देखेगा, खाली लाइन पे। सो रिव्यू के लिए कह रहे हैं भैया, किया वाले क्लासिक किया, क्या भरे पता देखते हैं अभी। चलो अरे भाई साहब, चमक गई फिर से, मज़ेदार ज़बरदस्त हो गई ये गाड़ी, वैसे भी ज़बरदस्त थी, लेकिन चल रहे हैं अभी, कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। तो गाइस मैं खाना खाने आया हूँ वाइट ऑर्चिड, और गाड़ी खड़ी है मेरी वहाँ पे, तो अंदर की तरफ जा रहा हूँ, बढ़िया खाना है यहाँ का सुनने में आया है।
बढ़िया बना हुआ है। डन विद द डिनर ही समझ लो मेरा, शाम हो गई। सो फाइनली लिविंग फ्रॉम हेयर, और अंधेरा भी हो गया है, टाइम लग गया थोड़ा सा। गेट खुला है कहीं का? हाँ मैं ना हल्द्वानी में यार, घंटा हो गया भाई साहब निकल ही नहीं पा रहा हूँ, कभी कोई आ जा रहा है कभी कोई रोक दे रहा है, अब खुला है जाके घंटे बाद। निकलने दो चाचा, लेट हो रहा हूँ। सो रुद्रपुर पहुँच चुका हूँ और एक काम से आया हुआ था आवासी कास, एंड अब घर की तैयारी है और मम्मी की कॉल भी आ गई, एंड गाड़ी बहुत चमक गई आज, सही हो गई, साफ़ हो गई, बढ़िया हो गई, एंड पहली सर्विस थी और अच्छे से करवाई है मैंने खड़े होके, खुद तो खड़े होके ही करवानी चाहिए ज़्यादातर। सो गाइस फाइनली रीच्ड होम, और आज का डे बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा गया, पीसफुल डे, और अकेले रहने की आदत सी हो गई है तो अच्छा लग रहा था आज, और गाड़ी की सर्विस भी हो गई, वही सर्विस क्या, वो पहला जो होता है अपना चेकअप, नॉर्मल चेकअप होता है, और उसके बाद अपना कल देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है हमारा। एंड बने रहिए ऐसे मेरे साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।